बाबा बामदेव की नगरी बांदा के बम्बेश्वर में गूंजी हर हर महादेव की ध्वनि। यूं तो शिवरात्रि पर सभी शिवालयों में पूजा अर्चना होती है, लेकिन यूपी के बांदा जिले के केन नदी के किनारे स्थित बाबा बामदेव की तपोस्थली बामेश्वर मंदिर का कुछ अलग ही नज़ारा है। यह मंदिर बांदा व इसके आसपास के जिलों के श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने आते हैं। साथ ही साथ इस मंदिर का प्राचीनतम इतिहास भी इसे विशेष बनाता है। लोगों की मान्यता है कि प्रतिवर्ष इस शिवलिंग का अपने आप एक चावल के दाने बराबर बढ़ना भी इसकी एक खूबी है। यूपी का बांदा जनपद, जो कि श्री बामदेव की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, बांदा के पास से गुजरने वाली केन नदी के किनारे स्थित बामेश्वर मंदिर यहाँ का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर की इतनी खूबियाँ हैं कि बता पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस मंदिर की मुख्य खासियतों में एक खासियत यह भी बताई जाती है कि यह मंदिर अनेकों वर्ष पुराना एवं महर्षि बामदेव ने तपस्या की है। यह मंदिर बुंदेलखंड का प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जो कि उनके नाम से नहीं बामदेव बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर की खास विशेषता यह भी है कि शिवलिंग का आकार प्रतिवर्ष एक चावल के दाने के बराबर बढ़ता है। आज शिवरात्रि पर भोले बाबा के जयकारों और शंखनाद ही सुनाई पड़ रही है। इस मंदिर में आज भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर पर खासकर महाशिवरात्रि और सावन में हर सोमवार को आसपास के जनपदों से लाखों भक्तों की भारी भीड़ दर्शन के लिए आती है। वह कांवर व गंगा जल चढ़ाकर पूजन अर्चन कर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करती है। बताया जाता है कि भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं। भारी भीड़ के चलते सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। हाँ, मेरा नाम पूजा शुक्ला है और मैं इलाहाबाद की रहने वाली हूँ। यहाँ पे मैं शिवरात्रि के दर्शन के लिए आई थी और भीड़ बड़ी है, तो इस वजह से बस यहाँ पूजा अर्चना की और बस जा रहे हैं। आज आपको किस तरीके का यहाँ पर आके ऐसा लगा? नहीं, जगह तो अच्छी है, अच्छा लगा हमें यहाँ पे आके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।